चर्चिल एक बार एक अर्जेंट मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे और उनका ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था, तभी एक ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया। ऑफिसर को बताया गया कि यह प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। तब उस ऑफिसर ने कहा, गाड़ी चाहे किसी की भी हो, कानून सभी के लिए बराबर है। चर्चिल इस बात से बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे एक स्पेशल प्रमोशन देने को कहा, लेकिन कमिश्नर ने इस बात से साफ मना कर दिया। कमिश्नर ने कहा, स्पेशल प्रमोशन सिर्फ अपना काम करने के लिए नहीं दिया जा सकता, वो ऑफिसर बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स भरोसेमंद होते हैं क्योंकि वो अपने काम को लेकर वफादार होते हैं। चलो इस काम को अच्छी तरह पूरा करें और इस गंदगी को साफ करें। शुक्रिया आप सभी का वन नेटवर्क की एनिवर्सरी में आने के लिए। आप सभी को यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है, तो चलिए बुलाते हैं उस शख्स को जिसने इसे यहां तक पहुंचाया है, हमारे चेयरमैन जिन योन फिल। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जिन योन फिल। आज सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा। हमारा जो आशियाना है वन नेटवर्क, उसमें आप सभी ने मुझे गले लगाया, बहुत खुशी हुई और उसका एहसास अभी तक मेरे साथ है और यकीन मानिए यह हमेशा रहेगा। इन्वेस्टमेंट लो इंटरेस्ट एरिया में और सेल्स के बजाय डिविडेंड्स। आपको पता है यह रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल जब मुझे दिखाया गया तब मैंने तीन प्रिंसिपल्स चुने। पहला, मुनाफे का बराबर बंटवारा। दूसरा, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तीन प्रिंसिपल्स जिससे बिजनेसमैन नफरत करते हैं। खैर छोड़िए, तो ये रहे रिजल्ट्स हमारे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के। वन नेटवर्क के चेयरमैन जिन यू बिल द्वारा स्थापित पीआर के हेड किम लियोंग और सिस्टम मैनेजर पार्क जैंग होन, ये कॉर्पोरेशन सभी को डिविडेंड्स देने में विश्वास रखती है। अब तुम कौन हो? हमारा लक्ष्य असीमित है, भविष्य की आर्थिक व्यवस्था की तरह। हम कमिटेड हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनने में, जिससे हमारे देश का आर्थिक और वित्तीय विकास होगा। नहीं लड़की, एक और चक्कर। ओह कम ऑन मामा किम, आपने वादा किया था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आप हमारे सम्माननीय मेहमान हैं, तो आइए हम उस शख्स का स्वागत करते हैं जिन्होंने हमारे लीडर्स और हमें जीता दिखाया। हम इंसानों की एक फितरत है, चाहे हम उस इंसान की कितनी रिस्पेक्ट या भरोसा कर लें, पर जब वो इंसान किसी अफवाह या मजाक का शिकार हो जाए तो हमारी सोसाइटी का उस पर से धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है। ये जनरल ह्यूमन नेचर है और साथ ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी। गॉडफादर ऑफ पिरामिड स्कीम, शैतान, घमंडी, वाहियात, बकवास, ऐसे कई नामों से दुनिया मुझे बुलाती है, पर इन सभी के बावजूद आपने मेरा साथ दिया और मेरी ताकत का जरिया बने और मुझे पता है कि हमेशा हमेशा रहोगे। मुझे पता है मेरी वजह से आप लोगों को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और इसीलिए मैंने खुद से बार बार यह वादा किया कि इस गलतफहमी को दूर करूंगा, इस ईर्ष्या और अपमान को मिटा दूंगा।
यही मेरा काम है और यही जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। और आज हम सभी यहां मौजूद हैं मुश्किलों का सामना करके। वन नेटवर्क एक ऑपरेशन जहां सभी अमीर बनेंगे। अगर ये मेरे अकेले का सपना होता तो हम इसे वन कहते हैं ना, पर आप सभी के सपने, हम सभी के सपने भरोसे और उम्मीद से जुड़े हैं, जो मिलकर बनता है एक नेटवर्क। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन नेटवर्क एक परिवार है। हमारे चेयरमैन का शुक्रिया जिनकी वजह से हम सब आज यहां एक साथ हैं। ये समय है कि हम एक नया सपना देखें, ऊंचाइयों के बारे में सोचें, तो हम एक प्रण लेंगे एक नई और खुशहाल दुनिया के लिए, नई नियति के लिए। पिरामिड और फ्रॉड सब भूल जाइए, हम शुरुआत करेंगे सेविंग्स बैंक से, जहां हम अपने पैसे सुरक्षित रख सकेंगे। बैंक वन नेटवर्क डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए हम शुरुआत करेंगे दुनिया का पहला फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंक। टेक्स्ट का रिप्लाई न करना बुरी बात है। टेक्स्ट? तुम्हारा टेक्स्ट। और तुम कौन हो? मिंजी? नहीं, हाय मी? नहीं, दरअसल मैं काफी लड़कियों के साथ रह चुका हूँ। फाइनेंशियल क्राइम्स यूनिट, लेफ्टिनेंट शिन जेमा। मैं चाहती हूँ तुम ऑन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करो। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ या फिर हमारी कस्टडी में चलो, या तुम डिसाइड करो। तो क्या फैसला किया तुमने? मैं बिना वारंट के खुद को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ऑल राइट, तो मुझे तुम्हें झूठे जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। निकल चुके हैं। कॉपी। ओ हीरो, क्या थोड़ा फास्ट चलाओगे? बिल्कुल। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। जितना काम करोगे उतना डबल मिलेगा। चलो, क्या ये सही है? हाँ। $10,00,000 अकाउंट नंबर वन में। ठीक है सर। $5,00,000 अकाउंट नंबर टू में। ठीक है सर।
पाक ऊपर आ रहा है। और जिन का है? वो फेडरल रिजर्व के चीफ हैंड के साथ मीटिंग में है। मैंने कहा था ना तुमसे कि काफी प्रेशर है। सेविंग्स बैंक मजाक की बात नहीं है। तुम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते। मैंने इसे रिव्यू के लिए भेज तो दिया है, पर उसके आगे हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओह कम ऑन, दो हफ्ते पहले तुमने कहा था कि रिव्यू भी मुश्किल है। कल जब रिपोर्टर तुमसे सवाल करेंगे तो बस इतना कह देना कि हम इसका पॉजिटिव तरीके से रिव्यू करेंगे, और फिर तुम मेरा जादू देखना। सारे मेंबर्स पागल हो जाएंगे। सुना है तुमने काफी प्राइवेट लोन ले रखा है। तुम्हें नहीं लगता ये कर्जा काफी ज्यादा है? लॉटरी के पैसों पर जापान में टैक्स नहीं लगता है, और ना ही लोगों के सपनों पर। ये देश ऐसा है जो एक शराब के पैक पे भी टैक्स लगाता है। इसके बावजूद मेरे मेंबर्स को इंटरेस्ट से लेके डिविडेंड तक पूरे पैसे मिलते हैं। तो ये बताओ, ये ज्यादा कैसे हो गया? कौन किससे पैसे ले रहा है? ये लोग अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काम करने में बिता देते हैं, हाँ? और मैं चाहता हूं कि उनके सपने पूरे हों। कितने नेक इरादे मेरे। Cheers. Cheers. सपनों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कितनी कमाल की लाइन है ना, बहुत ही शानदार, एक कविता की तरह। ज्यादा टाइम लगेगा क्या? क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? मैं मना करूंगी तो तुम नहीं करोगे? मामा, मुझे आने में देर होगी। क्या? अगर मैं एक घंटे में वापस ना आऊं तो फिर आप चले जाइएगा। मेरी मॉम थी, उन्हें चिंता हो जाती है। सब ठीक तो है ना? अपना काम करो। लगता है कोई बहुत काम कर रहा है। जिम की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मामा किम निकल चुकी हैं। डेव कॉन्ट्रेल, जैसा प्रोटोकॉल है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट और दो हार्ड ड्राइव हैं। सब शांत रहकर अपना काम करेंगे। मैं हूं कैप्टन किम, फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट से, और तुम वन नेटवर्क के सिस्टम मैनेजर हो, है ना पार्क चंगन? तो आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। हम एक नेटवर्क हैं। हम डिविडेंड्स देते हैं कई हजारों मेंबर्स को, वो भी हर दिन। तो क्या पैसे लेना, उन्हें बढ़ाना और मुनाफा कमाना कोई जुर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सही कहा। तो क्यों ना हम एक डील करें? एक बिजनेस डील? हम बाकियों से काफी अलग है। क्या आपने डेली पे आउट के बारे में सुना? $10,000 पर रोज, $20 डिविडेंड यानी साल के 7,300, 2,000 का बोनस हर नए रेफरल पर, 5,00,000 के प्राइवेट लोन पर 40% इंटरेस्ट यानी 13,000 डिविडेंड हर महीने। वाह, तुम कमाल के हो, तुम्हें तो काफी जानकारी है। बस हम बैंक से हाथ मिला लें तो बस पैसा ही पैसा होगा, नोटों की बारिश होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल जाए। ये कोई डील नहीं है, बल्कि एक मौका है, खूबसूरत मौका। जरा इसे देखो। अब ये क्या है? दरअसल ये तुम्हारे बॉस जिन की लाइफलाइन है। वो जेल की सलाखों से दूर है तो बस उन नामों की वजह से जो उस लेजर में है। हमें बस डेटा सेंटर की लोकेशन चाहिए और जिन का लेजर, बस इतना ही।
हमारी मदद करो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम्हारे इस डेली पे आउट प्रोग्राम की वजह से 5 करोड़ का स्कैम 100 करोड़ का हो गया। हम यूं ही किसी की जांच नहीं करते, पर जो भी जुर्म करेगा उसे छोड़ते भी नहीं। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम पर सख्ती कम की जाएगी। कोऑपरेट अभी, और वो भी तुम लोगों से हैं? क्यों करूंगा मैं ऐसा? जिन योन पिल, मामा किम, पाक जंगुन, सबके सब धोखेबाज हैं, और इसकी भरपाई जिन करेगा और उसके साथी भी। ये समझ लो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलेंगे? 1 मिलियन, 10 मिलियन, जो भी प्रॉमिस किया गया है उसे तो तुम भूल ही जाओ। सिर्फ चेयरमैन ही जानते हैं कि लेजर और डेटा सेंटर कहाँ है, सिर्फ वही उन्हें ऑपरेट करते हैं। वो बुढ़ा दिखावा करता है कि वो हम पर भरोसा करता है, लेकिन वो नहीं करता, ये बात हम जानते हैं। अगर तुम लोग मेरे पास कोई प्लान लेके आते हैं तो शायद मैं तुम्हारी मदद या कोऑपरेट करने के बारे में सोचता, लेकिन हे, वो मेरा फोन है। तुम्हारे पास 5 मिनट है, अगर ये मौका गया तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी इसे चालू करो। क्या सच में ये हो रहा है? उम्मीद करती हूँ कि तुम सही डिसीजन लोगे। या तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ो, या आम आदमी की तरह प्रोबेशन पर खुली हवा में सांस लो। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। हेलो, रुको। हेलो, क्या तुमने शुरू कर दिया? नहीं, क्या हुआ? एक कार एक्सीडेंट। मैं दरअसल अभी पुलिस स्टेशन में हूँ और मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। ओह नो, बाल बाल बचे। चेयरमैन के पास 6th सेंस है, वो मुझे आसानी से पकड़ लेंगे। ये लो तुम्हारा लाइफलाइन। जब तक मेरा कॉल नहीं आता तब तक नॉर्मल बिहेव करो। नॉर्मल बिहेव करो और तुम्हारे कॉल का वेट करो। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है? मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। हो वाह, मैं 1 मिनट के लिए दूर क्या गया? देखो उन्होंने क्या किया। क्या तुमने मेरे मैसेजेस देखे? कौन था वो? पाक था। कार एक्सीडेंट की वजह से वो पुलिस स्टेशन में है। दिन के पहले घंटे में ही? हाँ हाँ, और क्या। तुम अपने काम से काम रखो। जानबूझकर हमारी कार को ठोका, क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? क्या ये वाइल्ड कार्ड है? वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? काफी मजबूत कार है, इसलिए। गैंग नाम? कौन सा पुलिस स्टेशन? नहीं, सोसियो ब्रांच। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वो एक्सीडेंट के बाद से काफी डर सा गया था। हेलो, मैं बोल रही हूँ, हमारी कंपनी की एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक में किसी को जानते हो? नंबर? क्या? तुम्हारी गाड़ी का नंबर? 3092। 3092। हाँ, हमें से ही एक है, इसलिए जानना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी बताना। तो मामा किम, आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं, बस पता कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, तो इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सॉरी। आखिर किस लिए? जाने दो,
आप माफी मांग रही हैं? क्या हुआ? बुरा लग रहा है? बुरा नहीं, पर मैं नाराज हूं। ओह, तो ये बात है। मैं वहां लोगों के सामने नकली आंसू दिखा के रो रहा हूं और तुमने गाड़ी ठुक जाने पर डेवकॉन ड्रिल इनिशिएट कर दिया। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा हमारा? ये ड्रिल कोई जोक है? किम मामा, तुम सभी मेंबर्स का एक माँ की तरह ख्याल रखती हो, पर इसका ख्याल नहीं रखती। इस तरह हम कैसे बिजनेस चलाएंगे अगर तुम दोनों एक दूसरे पर शक करते रहोगे? याद है पहली बार मिले थे तो क्या किया था? 3 साल हो गए हैं, उसे दोबारा करना चाहिए। पर वो मुझे नफरत है उससे। यहां आओ। हाथ, तुम दोनों भी। हमारा बिजनेस भरोसे पर चलता है। अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करोगे तो हमारा यह बिजनेस खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता भी है इस चीज के बारे में? वादा करो ये दोबारा नहीं होगा। I'm sorry. तुम पर शक करने के लिए सॉरी। इट्स ओके। ठीक है, डिनर करते हैं। बाल बाल बचे। मामा केम, शिन केमा, ये सारी औरतें मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं बहुत थक गया हूं। बेवकूफ कहीं के, लगता है ये सब ओवर टाइम कर रहे हैं। सॉरी दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा।
तुम झूठ बोल रहे हो। एक साल बाद तुम्हें ये सब याद आया? हाँ अब हम नहीं बच सकते। क्यों? नाम सब खत्म हो गया, डेटा सेंटर, लेजर, सब तुम्हारी गलती है। पुलिस इस जगह और मुझे दोनों को नहीं जानती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं जानती। $5 करोड़ दांव पर है और यही वजह है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। क्या अब हम हार मान ले? और उन पैसों का क्या? अरे जेल में जाएंगे तो पैसों का क्या करेंगे? तुमने कहा पुलिस सब कुछ जानती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा आराम से सोचते हैं, ओके? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या? मैंने $5 लाख डाले थे और तुम्हारे लिए $10 लाख। क्या हम वो पैसे निकाल लें? अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। जरा एक मिनट रुको, ये तो उसके ऑफशोर अकाउंट्स है ना? सिर्फ डिपॉजिट के लिए, उसमें उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, उसका कंप्यूटर हैक करके उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन पता करो। तुम्हें मिलेंगे 2 करोड़ और मुझे 3 करोड़, जैसा कि हमने वादा किया था। हम ये जगह छोड़ देंगे, लेजर पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या कहते हो तुम? तुम्हें मंजूर है? ओके, एक मिनट मुझे सोचने दो। सिर्फ 5 करोड़? हाँ, कम से कम 10 करोड़ तो होने चाहिए। देखो दोस्त, ज्यादा लालच नहीं करते, ओके? हाँ? लोग जेल तक पहुंच जाते हैं वो भी अपनी लालच की वजह से। 2 करोड़ तेरे, 3 मेरे, पूरे 5 करोड़, काफी माल है, है ना? ये हमारा रिटायरमेंट फंड होगा दोस्त, तो बस आउटलाइन कोड लिख कर दो मुझे और मैं बाकी का काम संभालूंगा। समझ गए? हाँ, समझ गया। हमेशा फोकस्ड रहो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये रखो, ये हमारी लाइफलाइन है। अब क्या प्रॉब्लम है चाचा? तुम्हारे पास इतने सारे चार्जर्स हैं, उन्हीं से कर लो। ये काफी नहीं है। बेवकूफ, फोकस करो, मैं जा रहा हूं। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। नहीं चाहिए मुझे। अरे ले लो, सुनो। अरे नहीं चाहिए। Unregistered fingerprint. वेलकम सर। तुमने दोबारा चेक किया? हाँ सर, अच्छी तरह से। ए तुम, तुमने हद पार कर दी। सर, तुम मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल रहे हो। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा? प्रोटोकॉल फॉलो करना अच्छी बात है, पर मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ। ये आदमी मेरे सिर का दर्द बन गया है। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आज जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। ये बात तो सही कही तुमने। तो मीटिंग शुरू करें। ये बताओ, क्या पाक जाल में फंसा? कितना भारी है ये, मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। इसे लगा दो। हाँ, ओके। लेकिन ये अच्छा है। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। प्लीज ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरी बात मानो, कमाल का है ये। अरे ले लो ना, प्लीज ट्राई तो करो। प्लीज ले लो, प्लीज ट्राई तो करो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। रुको, ये बताओ तुम्हें पूरा यकीन है ये वही है? ये बेवकूफ है क्या? ये कर क्या रहा है? हमारे पास कुछ और भी है। फेडरल रिजर्व चीफ हान, ठीक 3 बजे आज उनकी 7वीं मीटिंग हुई। जिन जरूरिस्ट संघ गठबंधन पे जोर दे रहा है, जिनकी खबर पाने के लिए मीडिया उसके पीछे रहेगी और यही कल सुबह की हेडलाइन होगी, और इस वजह से उनकी मेंबरशिप बढ़ जाएगी, जिससे नुकसान होगा अंदाजन $2 बिलियन का। कैसे? कोई इतना बड़ा नुकसान कैसे सहेगा? ये लेजर इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे पास हान और डेटा सेंटर है, तो कल उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो लेजर का इस्तेमाल करके वो बच जाएगा। हम कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, वो कोर्ट से बार बार बरी हो जाता है, ये तुम भी जानते हो। फिर भी तुम्हें विश्वास है कि इस एक लेजर से फर्क पड़ेगा? इस लेजर से मैं उसे हराऊंगा। जिन और उसकी कंपनी को पकड़वाने के बाद
कमिश्नर, हम इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर पाएंगे। पाक को फंसाने में हमें 6 महीने लग गए और इस डेटा सेंटर को ढूंढने के लिए हमें 1 हफ्ता दीजिए। भरोसा कीजिए, मैं स्कैम का पर्दाफाश कर दूंगा। तुम जानते भी हो तुम क्या करने जा रहे हो? इससे तुम दुनिया को बचाओगे, बेवकूफ। आपको नहीं लगता हमारे देश को मुझ जैसे बेवकूफों की जरूरत है? क्लास का टॉपर बैच में भी टॉप किया। ये कोई दर्द नहीं है बल्कि दर्द की पूरी दुकान है। हो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज निकला। होते ही पहली बार एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का निर्माण होगा डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम चीफ खान से मिले। तो ये लोग तो उसके पीछे पड़ गए हैं। फुटेज दिखाते हैं। पूछते रहो। सर, वो लेडी कौन है? सर, उसके पीछे कौन है? सर, उसकी वजह बताइए। वो कहाँ जा रहा है? सर, सवाल का जवाब तो दीजिए। इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और नतीजे हम जल्द पब्लिश कर देंगे। ये थे फेडरल रिजर्व चीफ हार्ट। मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। इस एक्विजिशन के होते ही पहली बार एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का निर्माण होगा डिपॉजिटर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा, और इससे लोगों को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। काफी छोटी लाइन है $5,00,000 की रिश्वत के लिए। नहीं नहीं, ये तो 4 बिलियन की लाइन है। 4 बिलियन। बहुत अच्छे सर, हमारे साइनअप बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको अभी बताता हूँ। Thank you, sir. Keep it up. Photo mat? It's okay. Carry on. और ये गया ऊपर। खुद को समझती क्या है? तुमने भेजी क्या? Bro, trending. Scandinavian style. एक बार देख लो, code errors तो नहीं है ना? ठीक है, देखता हूँ। ये कभी नहीं सुधरने वाला। Green City का प्रतीक ब्राजील का शहर क्रूतेबा। इस महानगर में करीबन 2 करोड़ लोग निवास करते हैं। आज इस शहर के बारे में बात करते हैं। पर ये शहर प्रकृति के साथ इतना जुड़ा हुआ कैसे है? इस शहर की तरक्की के पीछे हाथ है मेयर जिम लर्नर का, जो कि एक फॉर्मर आर्किटेक्ट है, जिन्होंने इस शहर को नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े रखा है। हेलो क्यूंग मैम, उसने चारा खा लिया। वो किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है, तो तुम अपने लैपटॉप के पास में रहो। तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? और अपने प्लान स्थापित कर रही है, जिसमें मेयर लर्नर उनका साथ दे रहे हैं। 5 करोड़ सबको पता चल जाएगा, और जैसे ही जिन अरेस्ट हो जाए, तुम कहीं छुप जाना, मुझे छोड़ दिया जाएगा, तब हम पैसे निकालेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे, समझ गए? ओके, वेरी गुड। बेवकूफ, तुम अपने लैपटॉप के पास ही रहना, समझ गए?
मजे करें। हम पहुंच गए। थैंक यू। कितनी खूबसूरत कार है। अरे वो तो मेरी कार है। रुक जाओ। वो मेरी कार है। रुक जाओ। आखिर उसने मेरी कार क्यों उठाई? फेडरल रिजर्व चीफ हान, आपको रिश्वतखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। उससे पहले मैं कॉल करना चाहूंगा। चलो अंदर चलो जल्दी। लव बॉय, तुम्हें शहद की इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम ये बाद में कर सकते हो? पाक जंगुन, जेल जाना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। गुड, हमें डेटा सेंटर तो मिल गया तुम्हारी वजह से। अब बताओ लेजर कहाँ है? देखो मुझे कुछ नहीं पता। तो पता लगा या फिर जेल जाना है? और वो मैं करूंगा कैसे बताओगे? मैं शुरुआत कहां से करूं? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसे लेजर की जरूरत पड़े, बस उसके साथ रहना। ये लो, इससे तुम्हारी मदद होगी। ये क्या है, एक पेन और हियरिंग? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो और ईमानदारी से काम करो, शायद ऐसा करने से तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। ईमानदारी, ये शब्द मैं जैसे भूल ही गया था। लास्ट प्रमोशन के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, हमें दुगना फायदा हुआ, तो फिर इसी बात पर क्यों ना तालियां हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम एक परिवार हैं और परिवार होने के नाते हमें एक घर की जरूरत है, पर एक बड़े घर की जरूरत है हमें। यहां तक कि ये घर भी छोटा है। हम सभी लोग, हजारों लोग इसमें नहीं रह सकते हैं ना? ओके। तो फिर ये कैसा रहेगा? एक नया घर हम सभी के लिए, एक जगह जहां हम सब एक साथ रह सकते हैं। इसे हम कहेंगे हमारा वन आइलैंड, वन नेटवर्क, जहां आपके सपने सच होते हैं। पेश करता है हमारा नया प्रमोशन मेंबर्स के लिए, नए अकाउंट दिलाए और पहले 1 मिलियन तक पहुंचे उसे गोल्ड पास दिया जाएगा, जिसमें प्राइवेट विला, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, मेडिकल बेनिफिट्स और दुनिया भर की सारी। हम हाथ से पूछताछ शुरू कर सकते हैं। चिन्ह निकल चुका है, शुरू करो। जंगल आगो। रुक जाओ। आप ऑफिस जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कार गैराज में है। चलो चले। क्या पता चला तुम्हें? ना कोई नाम, ना चेहरा, ना कोई रिश्ता, बस इतना पता चला है कि वो कमिश्नर के लिए काम करता है। इंटरेस्टिंग, तुम भी नहीं पता कर पाए? उन्हें हान के बारे में कैसे पता? शायद कोई धोखेबाज है। ओह, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। गाड़ी घुमा लो। वो रास्ता बदल रहे हैं। होशियार रहना। यस सर, हमारी नजर उन्हीं पर है। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ सुन सकता हूँ और सब देख भी सकता हूँ। डरो मत, उसके साथ रहो। तुम आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। अच्छा है ना? मैंने करोड़ों खर्च किए हैं इस रूम को बनाने में। क्या लिया जाए? बैठ जाओ, मेरी गर्दन दर्द कर रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो, क्या काम है? ओ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कैसा चल रहा है? दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। तुम्हारी मदद की जरूरत है। फेडरल रिजर्व के चीफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो डरा हुआ है। वो दिन भर मुझे मैसेज कर रहा है, काफी परेशान कर रखा है उसने मुझे। अगर कुछ मदद कर सको तो। अच्छा तो तुम कोर्ट में किसी को जानते हो? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। जरा देखो तो, दो हाई कोर्ट और 4 सुप्रीम कोर्ट में। काम जल्दी हो गया तो हर एक को 5 लाख मिल जाएंगे। काम अच्छे से होना चाहिए और जज ली के अकाउंट में 1 करोड़ भेज देना, समझ गए? ठीक है, हो जाएगा, मैं कर दूंगा। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इन चीजों से ताकत खरीदी जा सकती थोड़ा है। मुझे नजर देखना है इनसे। तुम्हें पता है क्या, पैसों का नशा मदहोश कर देता है। इनमें जो नाम लिखे हैं वो मेरे पालतू कुत्ते हैं। जब मैं कहूं भौंको तो भौंकते हैं, काटने कहूं तो काट देते हैं। ध्यान से सोचो, कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। हम में से कोई धोखेबाज है। धोखेबाज कौन हो सकता है? वो मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उस धोखेबाज को ढूंढ लूंगा। बाग पर नजर रखो। हान कस्टडी से छूट चुका है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। काम शुरू हो चुका है, पैसा अंदर। हे हटो, बहुत काम है। जरा एक हाउस कॉल लगाना और जरा जल्दी करना। हाँ आखिरी बार जिन्हें भेजा था उन्हें ही भेज देना, दोनों कमाल की थी। हाँ
पैसों की टेंशन नहीं। दो हाई कोर्ट और चार सुप्रीम कोर्ट में है। पाक ने ऐसे रिकॉर्ड किया, हम इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कल सुबह ही मुझे उसके खिलाफ वारंट मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने फोन किया था, उसे जानना था कि इस केस को कौन हैंडल कर रहा है। नया क्या है कमिश्नर, अब तक तो आपको इसकी आदत हो गई होगी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या लगता है इतने पुख्ता सबूत होने के बाद हान जेल से छूट कैसे गया? कुछ पता चला कि जिन बात किससे कर रहा था? हो सकता है उसके साथियों में से कोई एक हो। एक बात बताओ किम, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिना वारंट के भी एक तरीका है। कल वो लेजर हमारे ही पास होगा। आखिरी सलाम इस जगह को। बहुत अच्छे, अच्छा काम कर रहे हो। नहीं नहीं उठो मत, बैठ जा बैठ जा। ओह अब ये मुझसे क्या चाहता है? हेलो, मैं बोल रहा हूं। क्या है ये? तो इसका मतलब है कि तुम बिल्डिंग के बाहर से मुझ पर नजर रख रहे थे हा? पर तुम अकेले क्यों हो? शायद यहां पर कोई थैंक यू पार्टी है ना? हाँ मैं समझ गया, ये तुम्हारा सीरियस लुक है काम शुरू करने से पहले का। कल सुबह ठीक 9:30 बजे जैसे ही जिन काम पर आएगा तुम उसके घर जाओगे, वो लेजर लाकर मुझे दोगे और वही हमारा सबूत होगा। क्या कहा तुमने? मैं वहां जाऊं? तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो किया, ठीक है? तुम्हारे कोर्ट्स की मदद से उसने बिलियंस का स्कैम किया है, लोगों को बर्बाद किया, क्या वो सब सही था? बुरा नहीं लगता? बोलो पाक। क्या कमाल का फंसाया तुमने मुझे। तुमने कहा तुम्हें लोगों की फिक्र है, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेजर की फिक्र थी, उन लोगों की बिल्कुल नहीं। जब मुझे वो लेजर मिल जाएगा तब अपने आप सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो तुम नहीं बचोगे। तो इसका मतलब कोरिया का बेस्ट ऑफिसर सिर्फ इतना ही काबिल है, कैप्टन किम जिम यांग? तुम एक मतलबी इंसान हो। हम कल सुबह शुरू करेंगे ठीक 8:00 बजे। कल जेल से बरी होने के बाद फेडरल रिजर्व चीफ हान सांगबुक की डेड बॉडी करीब सुबह 6:00 बजे पाई गई है। आज सुबह ही पुलिस की तहकीकात के दौरान मौके वारदात पर कुछ बोतलें और कोयले के टुकड़े उनकी गाड़ी से मिले हैं, साथ ही गाड़ी में एक सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि अभी उस पर जांच जारी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। कहा जाता है कि पुलिस की सख्त कार्रवाई मृतक के मौत का कारण है। इन्वेस्टिगेटर्स इस आत्महत्या के पुख्ता होने की खोज कर रहे हैं। शर्म की बात है। जानकारी हमें कल तक मिल जाएगी। एक इमरजेंसी है, भागने के लिए तैयार है ना? उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। कैप्टन, कैप्टन, हम ये नहीं कर सकते, हमारी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसने एक आदमी की जान ली, लोगों को लूटना अलग बात है, लेकिन लोगों को मारना, अब उसने सारी हदें पार कर दी, तो मैं क्यों ना करूं? अब हम क्या करें? तुम लोग किम के पीछे जाओ, मैं बैकअप बुलाती हूं। यस मैम। Thank you.
होशियार रहो, पाक कहीं से भी निकल सकता है, और वन नेटवर्क के हेडक्वार्टर पर रेड करने के लिए तैयार रहो। यस सर। डेटा सेंटर से तुम कितनी दूर हो? हम 30 मिनट की दूरी पर हैं सर। क्या है? मैं ही हूं वो धोखेबाज सर। वो मामूली लोग नहीं है, जैसे उन्हें वारंट मिलेगा वो हम पे रेड करेंगे। कौन है ये लोग? हाँ? किस बेवकूफ ने तुम्हें मुझे डबल क्रॉस करने पर मजबूर किया? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, पता नहीं मैं ये करने से पहले क्या सोच रहा था सर। भले ही आप मुझे 50 मिलियन दें या ना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर करूं तो तुम उनसे पीछा कैसे छुड़ाओगे? मेंबर्स के इंसेंटिव डबल कर देंगे और इससे और लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भनक भी नहीं पड़ेगी, और हम टेप कंट्रोल शुरू कर देंगे, और उसके बाद आप यहां से निकल जाना प्लान के मुताबिक। थोड़ा नुकसान जरूर होगा पर हम बच के निकल जाएंगे सर। अगर तुम मेरे बेटे जैसे नहीं होते तो कब के कब्र में होते? सर आप ओरिजिनल रखिए और मैं उन्हें इससे बेवकूफ बनाऊंगा। क्या वो पुलिस वाला तुम पर भरोसा करता है? हाँ? वैसे उसे करना ही होगा वरना वो जाल में कैसे फंसेगा? सही कहा। का पीछा कर रहा हूं, सीसीटीवी बंद कर दो और उस पर नजर रखो जब तक मैं वापस ना आऊं। उसने ये कब बदला? उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। एक बार चिन को गिरफ्तार कर लें, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। अगर तुमने अभी पैसे निकाले तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या तुम सच में लेजर उनके हवाले करने वाले हो? क्यों? वो हमारा इंश्योरेंस है, कुछ फोटोज ले लो। ओके। तुम कब से थे यहाँ पे? कैप्टन किम, ये क्या हो रहा है? कैप्टन, रोको गाड़ी रोको।
मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या आप ठीक हो? क्या हुआ वहाँ? पार्क के डैम हो गया है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए बैकअप भेजा। आपने लेजर की जांच की? क्या पता जिन पार्क को बेवकूफ बना रहा हो। एक यूनिट को पार्क के पीछे भेजो और डेटा सेंटर सिक्योर करो, मैं खुद जिन को पकड़ने जा रहा हूँ। बोट के लिए एक्स्ट्रा 10% कमीशन, समझ गए? अब तुम्हें कौन खिलाएगा? बोलो। शुरू करो। नहीं 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 नहीं, ओह नो। ये तो बहुत बुरा होगा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत हो गया इंतजार, अब चलो। जी सर। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। सब लोग अलर्ट हो जाओ, भागो मत वरना गोली मार दूंगा। उसे घेर लो। रुको। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप ठीक हैं? उसके पास लेजर था। हम हेडक्वार्टर्स को सिक्योर करेंगे और डेटा सेंटर भी हमारे पास है। अब चिंता मत कीजिए, हम पार्क को ढूंढ लेंगे। कैप्टन, हमें पार्क की लोकेशन मिल गई है, ये संजोग ट्रैक के पास है। तुम यहाँ संभालो। डेटा सेंटर, तुम्हारा क्या स्टेटस है? मैं सेंटर पर पहुंच चुका हूँ और सारे सिस्टम मैंने शट डाउन कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर कार बदली होगी, ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। पार्क जंगल। सुलता जी भैया ऊपर बचते। ये क्या, डेटा सेंटर में एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन हुआ है डेटा सेंटर के पास में, एक एक्सप्लोजन हुआ है। जल्द से जल्द मेडिकल बैकअप भेजिए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कंग्रेट्स, चलो जश्न मनाते हैं। हमने इतना कुछ खोया और तुम जश्न मनाने की बात कर रही हो। हाँ, कहते हैं ना, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो गलत नहीं कहते हैं, पार्क चालबाज कहीं का है। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं चल पाया है, सूत्रों से पता चला है अब तक वो 40,000 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है।
मिशन की कोई पल्स नहीं दिख रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, एक और जल्दी करो, अभी भी पल्स नहीं दिख रही। उनका हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। सिर्फ एक गलती हुई, तुम्हें सबको पकड़ना था। क्या कहा था मैंने तुमसे, तुम अकेले इस दुनिया को बदल नहीं सकते। ये सारी मेरी गलती है कमिश्नर, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब इसका कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तुम इन सब से दूर रहना। कहा क्या तुम, कुछ खास नहीं? हाँ वही कुछ बात हुई, हमारे पास कॉल आया। नहीं कॉल नहीं है। क्या तुम F.I. यूनिट के मेंबर हो? अब तुम्हारा ब्याज इतना ज्यादा हो गया है कि तुम किडनी बेच कर भी उसे चुका नहीं सकते, और जो तुम्हारी हालत है तुम बेच भी नहीं पाओगे। तो बताओ अब क्या करोगे? मुझे बस थोड़ा वक्त, मैं पैसे लौटा दूंगा, भरोसा रखो। भरोसे की बात तुम जैसा धोखेबाज कर रहा है, ये बात हजम नहीं हुई। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा, मैं सब वापस करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। कोशिश कर रहा है लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो ये कर सकता है, उसे करना ही होगा। रिपोर्ट से पता चला है कि जिस फिशिंग बोट से जिन ह्यून पिल देश से फरार होने की कोशिश कर रहा था वो समुद्र में मिली है। जिन और किम मिन ह्योंग जो PR की हेड थी, उनके फिंगरप्रिंट्स उस बोट पर पाए गए हैं, जिनकी मदद से इन्वेस्टिगेटर उनके बारे में पता कर सकेंगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे ना निकलने की वजह से पीड़ितों के परिवार ने एक साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पुलिस अब तक क्या कर रही है? ये लॉयर्स और क्रेडिटर्स ने अब तक किया क्या है? क्या ये अपना काम भी कर रहे हैं? मेरे कहने के बाद ही इन्होंने जिन की छुपी संपत्ति को जब्त किया था। मैं तब एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर था और ये यूनिट मेरे जूनियर से भरी हुई है। मेरा यकीन कीजिए और आप लोग साइन कीजिए। आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे पैसों का क्या, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो मैं आपको वापस जरूर दिलवाऊंगा। नहीं पता कल के लिए खर्चा कैसे निकालना है। कुछ भी नहीं बचा, आपको पता है मैनेजर कब आएंगे। मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। I'm sorry. Sorry? हमारे पैसों का क्या? बताओ जिन कहाँ पर है, बताओ वो कहाँ गया। हमारे पैसे हमें दो, मारो इसे, छोड़ना मत। पाक जंगल। मैं इस कीचड़ में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। कैसा लग रहा था मैं वहां पर, तो ये सब ऐसे खत्म होना था। चुप क्यों हो, तरस आ रहा है मुझ पर? तुम्हें मेरी हालत देखकर तरस आ रहा है? पहले वियतनाम में जिन ह्यून मिल और किम मी योंग के जले हुए शव पाए गए। वहां की लोकल पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया। अब क्या हुआ? जो मुजरिम था वो तो मर गया ना। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें क्या, मैं बेवकूफ लगता हूं? दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं।
तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे जिन के पीछे भेज दिया। तुम ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे। मैंने इस बात का ख्याल रखा कि तुम जेल न जाओ। मैं एक साल रुका। तो मुझे बताओ पार्क, तुम्हें लगता है वो दोनों मर गए? तुम्हें चमत्कारों पर यकीन है? मुझे पता है वो फिर से जन्म लेगा, सिर्फ 3 दिन में। तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है और तुम पुलिस वाले भी हो, ऊपर से हैंडसम भी हो। तो तुम्हारी शादी हुई नहीं या करने का मूड ही नहीं है? ये सब क्या है? वो चाइना में कई नामों से घूम रहा है और मैंने उसे आखिरी बार देखा था यहां हाइनान में। ये रास्ता स्मगलिंग के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है और उनकी लाश यहां मिली है, वियतनाम में। लाशें जली हुई थी, साथ ही उनके पासपोर्ट्स भी मिले हैं। ये सब थोड़ा सा अजीब है ना? इतने समय से तुम उसका पीछा कर रहे हो और वो भी सिर्फ अपने दम पर? वैसे क्या तुम्हें ये बंदा मिला? वो जिन के साथ नहीं है, 6 महीने पहले ही रशिया के पास गायब हो गया और मुझे यकीन है कि जिन अपना ठिकाना एक बार फिर बदलेगा। ओह, देखो तो कौन आया है। क्या तुमने मिस किया मुझे? हे जिन और मामा किम के डेथ सर्टिफिकेट्स, एविडेंस न होने की वजह से केस क्लोज कर दिया गया। और ये आपके लिए, आपके अर्ली रिटायरमेंट का गिफ्ट बॉस की तरफ से, 3 महीने की छुट्टी आपके लिए विदाउट पे। काफी लंबी छुट्टी है, हम घूमने चलें? सुनो, मैं बोल रहा हूँ, केस क्लोज कर दिया मैंने, तो टेंशन मत लेना। वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मुर्दे को तो जिंदा कर ही नहीं सकते। वाह, थैंक यू सो मच, तुम्हारा मुझ पर एक उधार रहा। तो बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है काफी बड़ा हाथ मारा है, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। ओह, तुम टेंशन मत लो, ये काम खत्म होने दो, तुम हैरान रह जाओगे। पिछला काम तो बहुत छोटा था, इस बार तो बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने। हाय। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आपके लिए सर। शुक्रिया। हेलो, कितना प्यारा बच्चा है। कब आ रहा है वो? वो देखो आ गया। हाँ, ये लो। ये है क्रुतीबा, ब्राजील की इको सिटी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी उस शहर में, दुनिया की नंबर 1 और बेस्ट इको फ्रेंडली ट्रैफिक पॉलिसी होगी उनकी। ये एक सपनों का शहर होगा। आपकी गवर्नमेंट बुरी और भ्रष्ट है, आपके लोग गरीब हैं, इस शहर में बहुत ज्यादा क्राइम है। I'm sorry, पर यह सच है। सेनेटर, आपके शहर को पक्के मकान चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। क्रुतीबा दुनिया की बेस्ट ग्रीन सिटी होगी। कैसे? आप जैसा एक अच्छा मेयर, बहुत ही स्मार्ट लीडर, जो करेगा बूम, चमत्कार। मनीला में अगर चमत्कार हो सकता है तो वो आप कर सकते हैं, आप सेनेटर और हम, द चॉय कॉर्पोरेशन। सेनेटर, हम ये मिलकर बना सकते हैं, हमारे $3 बिलियन और आपकी गवर्नमेंट के $3 बिलियन मिलाकर। शुरुआत हम यही टोंडो से करेंगे, ठीक है?
हम ये इको मनीला बनाने की गारंटी देते हैं। आपने इन बच्चों के लिए जो भी कुछ किया मैं उसके लिए आभारी हूँ। एक विदेशी होने के बावजूद भी आपने हमारे लोगों के लिए जो कुछ किया वो हम लोग भी नहीं कर पाए। नहीं सेनेटर, लेकिन इसमें मेरी एक ही प्रॉब्लम है, टाइम। टाइम? टाइम के हिसाब से ये बहुत ही मुश्किल बिजनेस है और इसे मैं अपनी शर्तों पर चलाना चाहता हूँ। 1 महीने में मुझे $3 बिलियन चाहिए, ये मेरी शर्त है। क्या ये पागल है? हम 1 महीने में $3 बिलियन का इंतजाम कैसे करेंगे? सही कहा, बिल्कुल पागल है। मैं चाहता हूँ कि ये सपना जरूर पूरा हो बहुत ही जल्द। द मिरेकल ऑफ मनीला। तो आपको ये शर्त मैं मंजूर समझूं? आज हमारी 6th मीटिंग है। 6 नंबर चाइना में बहुत लकी माना जाता है। ओके, 1 महीना। 1 महीना? एक महीने में इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई प्लान भी नहीं है। ओह नो सर, वो लोग किचन में हैं। इतना वक्त कैसे लग गया? वहाँ से पैदल चल के आ रहे थे। हुलिया तो देखो अपना। जाओ फ्रेश हो जाओ, चलो हिरन का शिकार करें। काफी दिनों से ताजा खून नहीं देखा। Let's go. तो ये है वो रास्ता जहां से जिन बच के निकला। तुम्हें मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम्हारी वजह से मैं एक आइलैंड पर छिपा हुआ था। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं मधुमक्खियों को पाल रहा होता। मुंह बंद रख, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके कड़वे शब्दों को मैंने बहुत मिस किया। अब जिन $3 बिलियन के साथ क्या करेगा? वो दुनिया के लिए मर चुका है, तो क्या वो अच्छाई का रास्ता लेगा? नहीं, उसे लोगों को ठगने में मजा आता है। अच्छा है, उसे कभी हजम नहीं होते। इस बार मैंने सब कुछ प्लान किया है, सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। एक बात साफ है, इस बार जिन और उसके साथी हमसे बचकर नहीं जाएंगे। ये जिनके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, $2 बिलियन ओवरसीज में और $1 बिलियन कोरिया में, और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए हम उस तक पहुंचेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं, उसके ओरिजिनल अकाउंट्स से। गुड, गेट सेट गो। Thank you.
ये रहा क्रेडिटर्स का अकाउंट, और ये भी, इनमें कभी भी पैसे जमा नहीं किए गए। जरा एक मिनट, यही तो मेरा प्लान था। जब जिन भाग जाएगा तो मैं एक और पिरामिड स्कीम में इन लोगों को फंसाऊंगा, और उसके बाद बचे हुए रियल एस्टेट और एसेट्स को इन लोगों को बेचकर इन्हें ठगूंगा। क्या तुम इन्हें फिर से ठगोगे पार्क? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या है कि ये हम लोगों का काम है। तब तो ये आसान है, हमें बस इसकी जगह किसी और को लाना होगा। ये अच्छा मजाक है। अच्छा तो ये बताओ, मैडम शिन से मिलना इतना मुश्किल क्यों है? ये बहुत बड़ा काम है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरा काम इस पर अभी भी जारी है। ये काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अच्छा ठीक है, ले लो थोड़ा और समय, पर याद रखना मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसके खिलाफ काफी सबूत भी हैं। मैं वापस आऊंगा। सुनो, रिपोर्टर्स के साथ एक डिनर फिक्स करो और उसके खिलाफ हमें वो रिपोर्ट भी करनी होगी। ओके? जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, दरअसल मेरा फोन खो गया है, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ आपके फोन से? मेरा फोन तो ऑफ हो चुका है, वैसे भी मैं ऐसे किसी की मदद नहीं करता हूँ। आप मदद करेंगे तो हम डिनर के लिए जा सकते हैं। ये लो। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, थैंक गुडनेस। अच्छा अभी आप कहाँ हैं? मैं टॉयलेट में हूँ। ये येरिम कौन है वैसे? येरिम? वही ड्रिंक चाहिए। क्या करती हो तुम? आई लाइक इट हियर। मेरी कुछ फूलों की दुकानें हैं और मुझे कुछ दिक्कतें भी हैं, आप मदद करेंगे? मेरी फीस एक्सपेंसिव है पर तुम चुका सकती हो, मेरा घर बहुत बड़ा है, ऐश के लिए वो बहुत सही जगह है और साउंड प्रूफ भी है। बिल प्लीज। एक बात बताइए, आप अब तक कितने ड्रिंक्स ले चुके हैं? 3, पर क्यों? ये हमारी पहली मुलाकात है, क्यों ना हम इसे आराम से ले। ठीक है। तो जीन के मरने के साथ ये केस भी खत्म हो गया क्या? और ये पारा पटौनी की पेपर्स किसी काम के नहीं है। देखो, चाहे जीन जिंदा हो या मुर्दा हो, हम उसकी संपत्ति जल्द ही सीज कर लेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तुम बेफिक्र रहो, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओ नहीं, फिर से उसी का कॉल। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम मैडम शिन से मिले? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं इसे संभाल लूंगा। फिलहाल वो मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। ओ, भरोसा रखूं? कैसे? अभी तक 70 मिलियन डॉलर ही जमा कर पाए हो तुम, हमें एक और बिलियन की जरूरत है और वो भी एक महीने में। पैसे कैसे जमा करूंगा ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ, और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो, दबा के खा भी रहे होगे तुम। तुमने 1 बिलियन पे फाइनल किया था ना? 1 बिलियन? कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, ज्यादा लालच मत किया करो। ये उसकी रिक्वेस्ट थी, मैं कैसे मना कर सकता था? और भूलो मत, मैंने तुम्हारी लॉ फर्म को इस डील की मुंह मांगी रकम दी है, तो अपना काम करो, समझे? मैं भी तो तुमसे यही। हेलो हेलो। आज मौसम बहुत अच्छा है, नहीं? हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले आप सेनेटर। थैंक यू।
क्या उसे काबू में करने का कोई तरीका नहीं है? क्योंकि दरअसल मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता हूँ। जल्दी ही मैडम शिन को राजी करो, $3 बिलियन एक डील में। इस डील की टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इसको कैसे संभालूं? ओके, तो मुझे ये बताओ कि ये मैडम शिन कौन है? वो ब्लैक मनी की क्वीन है, समझे? ये वही है ना जिन्होंने IMF के दौरान CEOs को खरीद लिया था? उसके पीछे जाने की जिन की एक ही वजह है, उसे बहुत से पैसे चाहिए होंगे, और वो भी एक ही महीने में, और मैडम शिन से शायद उसे वही चाहिए। मुझे ये देश बहुत पसंद है सेनेटर। एक बात बताओ, जिन आखिर उसके पीछे क्यों पड़ा है? तुम्हारा कहना है कि उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, वो भी एक महीने में। मैडम शिन काला धन, यही जवाब है ना? हाँ, मैं जानता हूं जो मैंने किया वो गलत था, पर मुझे इसके साथ जीना है और यही मेरे पापों की सजा है। मेरा कर्ज 2 मिलियन से ज्यादा है और अब मेरी सिर्फ एक ही किडनी बची है। मैं बहुत मुश्किल से चल पाता हूं, अगर कर्ज चुकाने में आप मेरी मदद करें तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप कहेंगे सर। पर तुम्हारी मदद कैसे करूं? सुना तुमने, उसकी हालत खराब है, क्या हमें उसके साथ काम करना चाहिए? मुझे यकीन है वो अपने पैसे किसी भी तरह निकाल लेगा। अब तुम मत शुरू करो, तुम्हें कब से उसके लिए हमदर्दी होने लगी? तो दोस्तों, क्या मछली जाल में फंस गई? अगर फंस गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके मन में लालच फिर से जाग रहा है और पाक के आने से वो कंफ्यूज हो जाएगा। टारगेट, मना कर दूं? कौन ये अफवाह फैला रहा है? क्या फर्क पड़ता है इन अफवाहों से, सारे पैसे तो फंसे हुए हैं। कुछ समय से हमारी पेमेंट भी हमें नहीं मिली और उनका मानना ये है कि ये डील भी पिछली बार की तरह ही होगी। तो कौन है ये लोग, मैं यही जानना चाहता हूँ। पता चल भी गया हान तो क्या करोगे, मार दोगे? तुम ही बताओ हम ऐसे तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम सुन रहे हो ना, जवाब दो मुझे, जवाब दो जल्दी। ओ, तो तुम मेरी मदद कर रहे थे, मुझे तो लगा था कि मैं कर रहा था। तुम बस एक लालची कुत्ते हो जो पैसों का भूखा है। तुम्हें पता भी है तुम्हें वहां रखने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं? ओह, तो सुनो, अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, समझे? हेलो हेलो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? छोड़ूंगा नहीं इसे। तुम पागल हो गए हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, क्या किया मैंने? तुम गलती कर रहे हो। जाओ उस लॉयर को परेशान करो, एक काम नहीं हो रहा है उससे। टारगेट, टारगेट, टारगेट। तो जिन हाथों ने उसे खिलाया वो उसे ही काटना चाहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? एहसान फरामोश कहीं का,
अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सर, गवर्नमेंट के काम और चेन से काफी परेशान हो गए हैं आप। हाँ, क्या तुम उसे छोड़ने वाली हो? क्या तुम ये अकेले कर सकती हो? मैं अकेली कहाँ हूँ? लोग यहाँ पैसों को मानते हैं, ना कि इंसान को। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगी। ओके, ये है पीटर किम, हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है। एक परफेक्ट जाल जिनको फंसाने के लिए। तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिन जैसे बदमाश को पकड़ने के लिए हमें उसके टक्कर का आदमी चाहिए। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। तुम जल्दी आ गई। ये मेहमान कौन है? मेरा अमेरिका का दोस्त है। हमने बस अभी डिनर किया। मैं हूँ वांग यू, मैं एक लॉ फर्म चलाता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। बाय। ओके बाय। ये है कौन वैसे? ये खिलाड़ी है। खिलाड़ी? वो भी बिना तहजीब के? वो एक बिग शॉट लॉबिस्ट है और वो बड़े मैदान में खेलता है। लॉबिस्ट? जब वो शहर में हो तो वो स्टॉक मार्केट में खेलता है। वो कोरियन अमेरिकन है, पर कोरिया से अमेरिकन ज्यादा है। नाम क्या है इसका? पीटर। पीटर किम? हाँ, सही पहचाना। हाँ, मैं हुआंग मिंग चुन, मेरी खुद की लॉ फर्म है। और तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम रैन को तो जानते होगे, उसके पिताजी कॉलेज प्रेसिडेंट है। मैंने कितना कुछ सुना है उसके बारे में। वो कह रहा था कि उसकी लाइफ कितनी मस्त है, वो कितना खुश है। पता भी है तुम्हें? नहीं, मेरी रैन से बात नहीं हुई है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर खुशी हुई। पीटर किम? हाँ, पीटर किम। कौन? पैटी किम, वो सिंगर? नहीं नहीं, पैटी नहीं, पीटर किम। अच्छा, पीटर किम। भरोसा कर सकते हैं? हाँ, वो कमाल का है। मैं डर रहा था कि मैडम शिन हमारे हाथ से निकल जाएंगी, पर ये तो उससे भी आगे है। ये हमारे लिए एकदम सही आदमी है। इसे वॉशर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लॉन्ड्रर है। मेरा दोस्त उसके साथ हार्वर्ड में पढ़ता था। मैंने सब चेक कर लिया है। बस उसके साथ एक मीटिंग और हमारा काम हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग कामयाब रहे। तुम एक बात भूल रहे हो कि ये दुनिया बड़े बड़े ठगों से भरी पड़ी हुई है। हाँ हाँ, मुझे पता है। देखो तो कौन बोल रहा है। एक चालाक इंसान किसी को भी उल्लू बना सकता है। उसकी आंखों में देखो। आंखों में? पर क्यों? मुंह से वो झूठ बोल सकता है, पर आंखों से नहीं। ओ, ऐसा क्या? तुम्हारी गंदो। और कुछ है तुम्हारे पास? अगर जिन और मैं समंदर में गिर जाएं, तो तुम पहले किसे बचाओगे? (स्थाथ)
सेक्टर है? फ्रंट क्लियर है, लॉबी भी क्लियर है। इक्विपमेंट चेक? हाँ सब ठीक है। ओके फॉन्ग आ चुका है, मैं पाक को भेज रही हूँ। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? सॉरी रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। तुम लेट हो, मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं। खैर शुक्रिया मिलने के लिए। कोई बात नहीं, लोगों से मिलना ही तो मेरा काम है। पर इस काम के अलावा भी तुम्हारे बहुत काम है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा नाम तो वॉशर है ना? देखो मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, तो क्यों ना काम की बात करें। वो कोरिया में है या कोरिया के बाहर? क्या मतलब? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया हो ना, मुझे बताओ कितने पैसे हैं और इस वक्त वो कहाँ है। तो काम की बात करें, दरअसल मेरा एक फास्ट ट्रैक वाला काम आ गया है और उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे क्लाइंट्स को पैसों की सख्त जरूरत है, तो तुम मुझे तुम्हारी वॉशिंग स्किल्स के बारे में बताओ। दरअसल मेरा एक फास्ट ट्रैक वाला काम है, लेकिन उसमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। तुम मुझे तुम्हारे वॉशिंग स्किल्स के बारे में बताना। तुम्हारा क्या मतलब? मैं ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूँ। बहुत ही आसान है, ब्लैक मनी लो, उसे साबुन से धो और वो व्हाइट हो जाता है। आसान है ना? हाँ ये बहुत आसान काम है। हाँ बिल्कुल, ये तो सफाई की तरह है। पर मेरे क्लाइंट रिस्क लेने वालों में से नहीं है, तो क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे? देखिए वो तो मेरा सीक्रेट है, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, पैसे कहाँ हैं और कितने हैं? वाह तुम तो तेज खिलाड़ी हो, मुझे चाहिए पूरे 1 बिलियन अनरजिस्टर्ड बॉन्ड्स। मुमकिन है? 1 बिलियन अनरजिस्टर्ड बॉन्ड्स। इस काम में बहुत दिक्कत आएगी। कब तक चाहिए? 3 हफ्ते के अंदर। ये तो कम टाइम है। पर कर सकते हैं। टाइम जितना कम कमीशन उतना ही ज्यादा। 10% डील। डील, दैट्स अ डील। यह है बिजनेस प्लान, इसके बारे में मेरे ऑफिस में बात करते हैं, और तुम्हारी फीस के बारे में भी। वो हमारे जाल में फंस चुका है। हमें पता है वो मनीला में है, क्यों ना हम उसे अभी पकड़ ले। उनकी गवर्नमेंट इसमें शामिल है, ये काफी खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा किया तो लोगों के पैसों का क्या? क्या वो उनके पैसे लौटा देगा? हमने ये प्लान सिर्फ जिन को पकड़ने के लिए नहीं बनाया, ये हमारा आखिरी मौका है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक मुश्किल मांग करने आया हो। आसान कब होती है? कौन है इस बार? एक मरा हुआ आदमी जो जिंदा हो गया। जिन्हें बिल? हाँ। तुम्हारे पास 60 सेकंड्स हैं। फिलीपींस से $3 बिलियन लेने के लिए उसे भी $3 बिलियन डालने होंगे। उसके पास 2 बिलियन है विदेश में और 1 बिलियन यहाँ पर। $1 बिलियन उसकी जरूरतों के लिए? नहीं, हम उसके प्लान को डबल करेंगे जिससे मेरा काम पूरा हो जाए। साफ शब्दों में हम लोगों के पैसे वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे $3 बिलियन। $3 बिलियन? ये है मेरा सिस्टम, एक सर्किट जो गुजरता है इंडिया, हांगकांग और जापान से। अब मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, सिंगापुर में शेल कंपनी के नाम से एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे। स्टेप 2, तुम मुझे $1 बिलियन दोगे। स्टेप 3, वो $1 बिलियन मैं सिंगापुर के अकाउंट में भेज दूंगा। मुझे मेरे पैसे मिलते ही काम हो जाएगा। ये इतना आसान है? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगा मैं एक एक नोट अलग से भेजूंगा? तो तुम्हारा मतलब है कि सही पैसे डाल के और इंटरनेशनल फाइनेंस लॉ को फॉलो करके हम ये कर सकेंगे? हाँ, लेकिन जरूरी बात यह है कि सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। तो अब तुम अपनी फीस के बारे में भी हमें बता दो। ये सब नकली है ना? इको सिटी एक स्कैम है। तुम्हें बस फिलीपींस के $3 बिलियन चाहिए। कौन है ये? चुप रहो। क्यों ना हम इस मुनाफे को डबल कर लें? क्यों ना मैं तुम्हें दूं $3 बिलियन? सच कहूं तो मैं ये काम
अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ मिस्टर हुआंग। मिस्टर क्लाइंट, बताइए क्या कहते हैं आप, प्रोजेक्ट को डबल कर दे? मैंने से कहा था आग बुझाओ और ये उस पर तेल डाल रहा है। तुम्हारा क्या प्लान है? मनीला का मैप है, ठीक बीच में एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा है, उसे देखकर क्या याद आता है बताइए? कोरियंस तो इसमें माहिर है। एक कनाल। वैसे भी ये बिजनेस फेक है तो क्यों ना हम प्रॉफिट डबल कर लें। कनाल के सामने एक थीम पार्क बनाने का प्रपोजल रखिए और आने जाने वाली शिप से पैसे लीजिए। मेरा प्लान कैसा लगा? ओके, $3 बिलियन आएंगे कहां से? ऐसा कौन है जो $3 बिलियन कैश दे सकता है? मैडम शिन। ठीक है ठीक है। किम तो वाकई कमाल का है। बिल्कुल नेचुरल, पहले मुझे वो जरा भी पसंद नहीं था पर अब पसंद करती हूँ। पहले मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। आपने सब कुछ पढ़ लिया? ये शब्द मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर से मतलब है। हे, तुम कौन हो? मैं पार्क जैंगन हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ जो एक बुरे आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। ये तुम्हारा काम है? एक्चुअली कैप्टन किम हमारे चीफ हैं। मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूँ। दरअसल हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सब कुछ गंवा दूंगी, पर ये तुम्हारी जिंदगी से कीमती नहीं। एक्चुअली ये मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, एक तरह से आपका रिटायरमेंट प्लान है। ये मुझे एक धमकी क्यों लग रही है? जैसा आप ठीक समझे। ये क्या है? $3 बिलियन और क्या? सच्ची ये इतना आसान तो नहीं हो सकता। मैडम, क्या आप बिल्कुल श्योर हैं? आपको कोई गारंटी नहीं चाहिए? मेरे रूल्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जिन ने उन रूल्स की धज्जियां उड़ा दी है। मैंने ये रूल्स बनाए थे और मुझे पालने भी पड़ेंगे। तुम्हें देखकर लगता था कि तुम सारी दुनिया का भार अपने कंधों पर ढो रहे हो, पर अब तुम ठीक लग रहे हो। सोचिए, बच्चे घास पर खेल रहे हैं, अब उन्हें गंदी जगहों पर नहीं खेलना पड़ेगा। चलिए कनाल बनाते हैं, सभी के लिए साफ पानी, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण, तब हम उनके चेहरों पर वो खुशी देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। बस यही मेरा एक सपना है। मिस्टर चॉय, आप कमाल के हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। मिस्टर सेनेटर, हम ये साथ में करेंगे। यस यस, अब हम बच्चों को देंगे साफ जगह और साफ पानी। अब किसका फोन आ गया? नो, जितना भागो उतने ही पीछे पड़ते हैं। बोलिए, मैं स्कैम होने के लिए तैयार हूँ। तुमने अपना नंबर नहीं बदला। हेलो, शॉक लगा क्या? ये कैसे हो सकता है, मुर्दे फोन नहीं करते। कहाँ हो तुम? नरक में? कोरिया से बहुत दूर एक जन्नत में, क्यों ना हम फिर से मिले? बल्कि इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली मिलकर बताऊंगी, सोच लो।
सुना तो मैडम शिन से मिल लिए, तो हम शुरू करें? नहीं, पहले मैं क्लाइंट से आमने सामने मिलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना वो मनीला में है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उससे कहो अपना चेहरा दिखाए, उसके बाद ही मैं काम शुरू करूंगा। क्यों, मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं है? हेलो हेलो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, पर उसकी गन से नहीं। ये दो बक्से लेकर जाओ और एक यॉट खरीद लो, सबसे तेज वाली। ए, जल्दी करो, जल्दी। फोन पर है। पीटर को यहाँ भेजो। मैं तो वहाँ नहीं आ सकता। देखो, पेपर भी तैयार हो गए हैं, तो क्या ये करना जरूरी है? ये बहुत रिस्की है। अगर उसे तुम्हें पहचान लिया तो बात को समझो ना। मुंह बंद रखो और उसे अकेले आने को बोलो। ये हमेशा मुझे मजाक में लेता है। तो तुम जा रहे हो? ऑलरेडी मैडम शिन और फिलिपीन गवर्नमेंट हमें तकलीफ दे रही है। मैं तुम्हें सपोर्ट टीम नहीं दे सकता, शायद लोकल पुलिस तुम्हारी। उसकी जरूरत नहीं है सर, जिन को मैं अपने दम पर ही पकड़ लूंगा। मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। ये भी तुम्हारे साथ जाएगा? वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है कमिश्नर, इसे ले जाना चाहिए। कल कुछ भी हो सकता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना। हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करना, लेफ्टिनेंट जमा इसकी कमांडिंग ऑफिसर होंगी। जैसे ही पैसे इको मनीला अकाउंट में आ जाए उसे फ्रीज कर देना। सही वक्त देखकर पाक को भेज देना, सब समझ गए? मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है सर, तो चिंता मत करो। गुड। तो क्या सबको याद है कि कल तुम्हें क्या करना है? याद है। क्या हुआ? मैं बस सोच रहा हूं कि क्या होगा। जिन धोखेबाज हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अपना ख्याल रखना। जो भी हो तुम्हें तो फायदा ही होगा। इसीलिए तुम यहां आए हो ना? मनीला पिक्चर, पता है ना? चलो जल्दी जल्दी, पार्क भाग रहा है। क्या हम उसे पकड़ ले? नहीं, उसे जाने दो। ओके। मरी हुई औरत भी इतनी कमाल की दिखती है क्या? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा।
चलो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं वरना मैं सेंटी हो जाऊंगा। कल हम एक बहुत बड़ी डील फाइनल करने वाले हैं जिनके $3 बिलियन उसे और 3 बिलियन दिलाएंगे। हम वो लूट सकते हैं। क्या कहा? $3 बिलियन? इतना पैसा वो लाया कहाँ से? जिन ने एक नया पार्टनर ढूंढ लिया है और इसलिए उसका इंटरेस्ट मुझ पर से कम हो गया है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वैसे एक मर्द से तो तुम अभी बात कर रही हो। तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारा भी 10% का हिस्सा होगा। क्या बात कर रही हो? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँगा? बताओ, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा मुझे? जिन का लेजर, मुझे जिन का लेजर चाहिए और इस डील में वही मेरा इंश्योरेंस होगा। ओके, लेजर और 10%, ये होगी तुम्हारे बदले की कीमत। क्या 10%? 10% तो कुछ होता ही नहीं है। यानी 10% 6 बिलियन का? ये मेरा आखिरी काम है, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। दुना बगीचा, क्लाइंट ठीक 1 बजे पहुंचेगा, उनके बाल सफेद हैं। मिलने की जगह बदल गई है। टरामी, 2 बजे, लेट मत होना। यस सर, हम निकल चुके हैं। मिस्टर किम, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज आ रही है? क्या किडनैप हो गया? फोन नहीं लग रहा, मुझे लगता है वो खतरे में है। मैं समझ गई। हेडक्वार्टर से मदद मांगो और मुझे खबर देते रहना, ठीक है? यस मैम। आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं यहाँ मिस्टर वॉन्ग से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यही पास में थी, क्यों ना कॉफी हो जाए? कमिश्नर, मैं बोल रहा हूँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें लोकल सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब क्या करें, अब मैं क्या करूँ? वो जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए मिल रहा है ना, अगर मैं उसके कंप्यूटर को हैक कर लूँ तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर इसके लिए मुझे उसके पास 50 मीटर की रेंज में 5 मिनट के लिए रहना होगा। ठीक है, कल वाली जगह। और लेजर? वो मेरे पास है। वेलकम। इस सब का क्या मतलब है? लोगों की काफी नजर है मुझ पर, इसलिए ऐसे लाना पड़ा तुम्हें। वैसे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है, पता है? क्या ये सब जानना जरूरी है? कोरिया में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर गलतफहमी की वजह से मुझे उससे छोड़कर यहाँ आना पड़ा। काफी मुश्किल होता होगा तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह पर रहना। गाड़ी रोको। कहाँ है वो? नजदीक है, तुम्हारा फोन दो। जरा इन नामों को देखा। तुम पागल हो गई हो? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चली चलाओ।
इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले काम कर लेते हैं। नहीं, ये मेरे काम करने का स्टाइल नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों के पास ब्लैक मनी है। चलो मुझे छोड़ दो। क्या मैं जा सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मुझे माफ करना। प्लीज मत जाओ और बैठ जाओ। जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। क्या कोई इम्पोर्टेंट कॉल है? प्यार से भी बोल सकते थे। टेक केयर। तुम तैयार हो? बिल्कुल। तुम्हें पता है ना मैडम शिन के आदमी तैयार हैं? संगिल बिल्डिंग, उसके ऊपर एक चर्च है, वहाँ एक ईंट की दीवार है, उसके पीछे एक सेफ है। कोड काफी मुश्किल है, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे कंफर्मेशन मिल गई है। काम हो जाए तो कॉल करना, मैं इंतजार करूंगा। काम शुरू हो गया है, मैडम शीन के $1 बिलियन इको मनीला अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो आ गया है, तो अब मैं $2 बिलियन डालूंगा, तो मैडम सिंह $3 बिलियन डालेंगी, है ना? बिल्कुल, मुझ पर विश्वास नहीं है। दुनिया में बहुत धोखेबाज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी हो, तुम तो पीटर किम हो। हे, हमें $2 बिलियन मिले। जिनका डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है, क्या मैं उसका अकाउंट बंद कर दूं? तुम अभी यही हो? मिस्टर वांग म्यंग जून, आपको अटर्नी एट लॉ एक्ट के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ओ, अच्छा, कौन सी एजेंसी से हो तुम? छोड़ो, मुझे ये मजाक नहीं है। पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। ये लो, हो गया। ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे जब तक फिलीपींस के पैसे नहीं आ जाते, यही है मैडम शिन की शर्त। क्या अब मैं जा सकता हूँ? इतनी भी क्या जल्दी है, सब यहाँ आ गया है, पैसा और लोग भी। हेलो। तो क्या सोचा तुमने? क्या उसने तुमसे पूछा था कि तुम किसे पहले बचाओगे? डिसाइड करो। ये हो क्या रहा है? ए, मारो! ओह नो! दोबारा मिलकर खुशी हुई। पता है ये फोटोज कितनी महंगी पड़ी मुझे? कैप्टन किम जम योंग, oh.
तुम पूरी तरह से पागल हो गया। अगर तुम नहीं चाहते हो कि किसी और मासूम की जान चली जाए तो 6 बिलियन ट्रांसफर कर दो। चलो जल्दी ट्रांसफर करो। ये तो जैंगन है। हमें लोकेशन मिल गई। आखिरकार मिल ही गया। इस पैसे ने तो मेरी नींद उड़ा दी थी। तुम्हें पता मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं। तुम्हारे कनाल के आइडिया ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मुझे ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों तुम अपने दिमाग को एक मामूली सी गवर्नमेंट सैलरी के लिए बर्बाद कर रहे हो? तो क्या तुम्हारी तरह लोगों को स्कैम करना चाहिए? स्कैम? कम ऑन। स्कैमर्स तो लोगों को छोटी रकम के लिए चूना लगाते हैं, पर जब नुकसान 1 मिलियन डॉलर्स का हो तो वो कहलाते हैं फाइनेंशियल क्रिमिनल्स। सोचो अगर वो 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो तो? तुम चाहो अपने आप को कुछ भी बुला लो, जेल की सलाखों के पीछे सब एक ही है। ऐसा है क्या? एक शख्स बता दो जो इस जुर्म की सजा काट रहा है, वो सब छूट जाते हैं। यही सच है। काफी पतले हो गए हो, चोट कैसी है? उतनी गहरी तो नहीं है जितनी तुमने दी। तुमने गलत घोड़े पर पैसा लगाया, तुम्हारी बदकिस्मती। ये लीजिए सर। इतनी जद्दोजहद इस लेजर के लिए? क्या घूरने से क्या हालात बदल जाएंगे? अरे रे, तुम हर बार टीम क्यों बदलते हो? क्या तुम कोई ब्रोकर हो? तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, फिर भी तुम कितने अलग हो। वैसे एक बात कहूं, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या बकवास है, ये क्या बोल रहा है? हा? तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। ए, फोन। यार तैयार है क्या? जी सर, तैयार है। ओके, इंजन स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूं। कैप्टन, मेरी आवाज आ रही है? हम आपको कवर कर रहे हैं सर। सभी यूनिट्स तैयार रहिए। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अफसोस की बात है कि नतीजा कितना अलग निकला। मैंने 1 साल से इस दिन का इंतजार किया है। क्या तुमने ये कैसे सोच लिया मैं यहाँ खाली हाथ आऊंगा? मैंने कहा ना, मैं उसका चेहरा देखने के बाद ही काम शुरू करूंगा। शायद कोई ज्यादा ही सख्त हो रहा है। उसने हमारी फोटोज देख ली हैं, तो होना ही पड़ेगा। सही कहा, उम्मीद है मैं अच्छा दिख रहा हूँ। मुझे बस 5 मिनट चाहिए जिनके कंप्यूटर को हैक करने के लिए। ये इतना मुश्किल नहीं होगा।
बस एक बार उसने पासवर्ड डाल दिया तो ये क्या हो रहा है? या क्या हो रहा है सब? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे घूर घूर के देखने से हालात नहीं बदल जाएंगे। जल्दी 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 उधर भी इशारा लगाओ। अपने जाओ, मैं आपको कवर देता हूँ। चलो जल्दी चलो जल्दी। इस तरफ जल्दी। चलते रहो। गन चलो जल्दी करो। तुम हंसी आ रही? ये मजाक लगता है ना? हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या हुआ, मुझे मारना चाहते हो? तुम मारो, अगर मैं मर गया तो तुम्हारे पैसे भी गए। चलाओ गोली, चलाओ चलाओ गोली। क्या कर रहे हो? तेज भागो ना। ठीक है सर। हम निकल चुके हैं, हम रास्ते में ही हैं। Thank you.
गंदो, तुम्हारी गंदो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। मुझे इस कहानी का अंत देखना है। सकता इसे फोन करूं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो दुनिया पलट जाएगी। मैं इतनी दूर तुम्हारे लिए अकेले नहीं आया हूं। जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब देखना, थोड़ी देर बाद डायल कीजिए। तुम्हारे सामने ये दुनिया कैसे पलटती है। जिन यनपिल, तुम्हें स्कैम, मर्डर और ट्रेड कानूनों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ओ नहीं, ये तो बुरे सपने की तरह है। जिन हमारी गिरफ्त में आ चुका है। थैंक गॉड। कैप्टन और पार्क दोनों खतरे से बाहर हैं, बस थोड़ी चोट लगी है। हमने जिन को पकड़ लिया सर। बहुत बढ़िया,
इसने कमाल का काम किया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के तरीके और लेजर की पुख्ता होने की पुष्टि की जा रही है। बताया जा रहा है कि उससे लेजर में लिखे नामों से काफी जानकारी मिलेगी। पीड़ित लोगों को उनके पैसे लौटाने का वादा किया गया है। और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। तुम इस बारे में श्योर हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो? अगर पैसे गवर्नमेंट के पास गए तो लोगों तक पहुंचने में इसे एक साल लग जाएगा। उनके पास इतना वक्त नहीं है, तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, अब चलो भी। वैसे मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने शुरू किया था, अब खत्म करो। जिंदगी से बहुत ही नाराज था, और पहली बार किसी ने मुझसे इतना अच्छा काम कराया। मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा। सुनकर अच्छा लगा। अब मुझ पर भरोसा है? नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। गले मिलना चाहोगे? नहीं। तो मैं चलता हूं।
चलो काम खत्म करें। हुँ। हुँ?